अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका अपना अयाज बशीर एक और क्रिकेट अपडेट के साथ आपके साथ हाजिर है। तो नाजरीन, दो चार दिन रेस्ट करने के बाद फिर क्रिकेट स्टार्ट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और क्रिकेट लवर्स के लिए तो क्रिकेट ऑक्सीजन का काम करती है। जैसे मैं हूँ, मुझे क्रिकेट जब तक देखने को ना मिले मेरा जो है ना दिल उदास सा रहता है। तो इंडिया और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज स्टार्ट हो गई है, दो टेस्ट सीरीज है। नाजरीन, आपको स्क्वाड के बारे में वीडियोज़ बनाई थी मैंने। पाकिस्तान की भी इंशाल्लाह 16 को संडे वाले दिन से स्टार्ट हो जाएगा श्रीलंका का टेस्ट, वो भी अपडेट देंगे। तो नाजरीन चलते हैं मैच की जानिब, इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का डे वन के रिव्यू की तरफ। सबसे पहले तो वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीत के नाजरीन जो है बैटिंग का फैसला किया, जो थोड़ा सा गलत साबित हुआ। माशाल्लाह इनके जो इंडियन बॉलिंग अटैक है बहुत ज़्यादा तगड़ा है, इनके लिए बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो जो क्रेग ब्रेथवाइट हैं, इनके मेन बैट्समैन भी हैं, इनके ओपनर भी हैं और कैप्टन भी हैं, वो 20 रन बना के रविचंद्रन अश्विन ने आउट किया उन्हें, रोहित शर्मा ने कैच किया उसका। फिर टिगनर इन चंद्र पॉल हैं जो शिव नारायण चंद्र पॉल के बेटे हैं, ऑस्ट्रेलिया या शायद इंग्लैंड में इन्होंने बहुत ज़्यादा सेंचुरी स्कोर की थी लेकिन अब नहीं चल सके। उसे भी अश्विन ने बोल्ड किया, एक जो है इन स्विंग करते हैं या कैरम बॉल करते हैं। उसके बाद राइफर कोई बैट्समैन है, इनके नए बैट्समैन आते रहते हैं। टेस्ट मैच असल में खेलना नहीं चाहती वेस्ट इंडीज़ के जो लोग हैं, प्लेयर्स हैं खासतौर पर, क्योंकि वहाँ पे जो है T20 लीग्स का दौर है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा क्वालिफायर से भी वेस्ट इंडीज़ की टीम निकल गई है। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने देखा कि वेस्ट इंडीज़ की टीम वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी, तो इस वजह से नए नए प्लेयर्स हैं। राइफर जो हैं दो मैंने नहीं देखा हुआ इनको, इतना दो स्कोर बना के आउट हो गए। शार्दुल ठाकुर ने आउट किया उन्हें, स्विंग बॉलर हैं। जर्मिन ब्लैकवुड जो हैं बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन हैं, ये 14 स्कोर बनाए हैं इन्होंने। पाकिस्तान के खिलाफ भी पिछले साल जो सीरीज़ हुई थी उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस दी थी। एलिक अथानजी 47 स्कोर बनाए हैं, अश्विन ने आउट किया, इन्होंने अच्छा स्कोर बनाया, 47 स्कोर बनाया। और जोशुआ डिसिल्वा जो इनके कीपर हैं वो उन्होंने दो स्कोर बना सके। जेसन होल्डर जो पहले कैप्टन रह गए हैं, ऑलराउंडर हैं, वो दो स्कोर 18 स्कोर बनाया उन्होंने। मोहम्मद सिराज ने आउट किया। उसके अलजारी जोसेफ फास्ट बॉलर हैं, वो तो टेल एंडर ही नाजरीन हुए, 4 स्कोर। कॉर्नवल ये भी जो है ना इनके बॉलर हैं, केमार रोच भी 1 स्कोर और वेरिकन जो है इनके बॉलर हैं वो भी। तो नाजरीन आ जाते हैं इंडिया की बॉलिंग परफॉर्मेंस में। मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट लिया, उनाडकट जो हैं लेफ्ट आर्म जो स्विंग बॉलर हैं उन्होंने कोई विकेट नहीं लिया। रविचंद्र अश्विन येट अनदर फाइफर, और जो है शार्दुल ठाकुर ने 1 और जडेजा ने 3 विकेट आउट किए। तो चलते हैं नाजरीन सेकेंड इनिंग्स का। रोहित शर्मा और जो है ये यशस्वी जसवाल 40 रन और रोहित शर्मा 30 रन, टोटल 80 स्कोर पर बैटिंग कर रहे हैं, कोई विकेट नहीं हुआ, 70 रन की ट्रेल है। टोटल 150 पे वेस्ट इंडीज आउट हो गया था, तो उम्मीद तो यही है आज ये बहुत बड़ी लीड देके एक ही इनिंग्स खेलेगा इंडिया और सेकंड में इनको फॉलो ऑन पे करके या जैसे भी है आउट कर देगा और ये आसानी से जीत जाएगा। वेस्ट इंडीज़ की टीम टेस्ट टीम वो इतनी खास नहीं है, पिछले साल पाकिस्तान सीरीज़ में भी 1-1 से बराबर हो गए थे हम। अब ये इंडिया भी कोई इतना खास नहीं, इंडिया सिर्फ फंसता है तो इंग्लैंड में फंसता है, ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी 2 सीरीज हरा चुके हैं। तो नाजरीन आज की अपडेट के लिए इतना ही, तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और क्रिकेट अपडेट में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।